हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू यूट्यूब वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बेसिकली एजुकेशन फील्ड में जो सैलरी रहता है वो कितना रहता है, कैसा रहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यंग लोग हैं जिनको आइडिया नहीं है कि इस फील्ड में जो सैलरी है वो किस हिसाब से है और कैसा रहता है बेसिकली। तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि आप एजुकेशन फील्ड में अगर आप आते हो तो फिर किस हिसाब से आपका सैलरी रहता है, या फिर इनकम के और भी क्या तरीके हो सकते हैं इस फील्ड में आने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अगर इस इंडस्ट्री में आते हो, एनिमेशन इंडस्ट्री में, और आप कोई भी डेजिग्नेशन लेते हो, चाहे आप कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाओ, चाहे कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट बन जाओ, चाहे एनवायरमेंट आर्टिस्ट बन जाओ, बेसिकली ये जो फील्ड है इसमें शुरुआत आपका ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा होगा ना, ये कोई उस तरह की फील्ड नहीं है लाइक कोई आपने आईटी क्लियर कर लिया और उसके बाद आपको 60 लाख का पैकेज मिल गया, तो ये कोई उस तरह का फील्ड नहीं है। हाँ, आप इसमें ऐसा है कि आप शुरुआत लो से कर लो, काफ़ी आपका जो शुरुआत थोड़ा लो से हो सकता है, बट टाइम टू टाइम जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होता रहेगा, वैसे वैसे आपका जो इनकम है, जो सैलरी है वो बढ़ता जाएगा और आपका जो लाइफस्टाइल है उससे चेंज होता जाएगा बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें एवरेज सैलरी क्या रहता है, किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप किसी भी स्टूडियो में जाते हो तो आप एज अ फ्रेशर जाते हो ऑफकोर्स, अगर आप इंडस्ट्री में नए हो, आपने कहीं से कोर्स किया या खुद सीखा और इसके बाद फिर आप जॉब के लिए जा रहे हो, तो आप सॉरी किसी भी इंडस्ट्री के लिए आप न्यू हो गए, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो जब आप न्यू होते हो तो डिपेंड करता है, हर एक कंपनी का अपना अलग पेमेंट या फिर सैलरी या इनिशियल सैलरी देने का ऑफर करने का मैटर होता है बेसिकली। तो डिपेंड करता है, वैरी करता है काफ़ी सारे अमाउंट्स के बीच में। तो बट एक एवरेज सैलरी अगर मैं आपको आइडिया दूँ तो इंडिया में, मैं अभी इंडिया की बात कर रहा हूँ, नॉट आउट ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया में बात करोगे तो किसी भी कंपनी में अगर आप जाते हो फ्रेश है तो आपको बेसिकली 12 to 25-27 thousand मैक्स तक मिल सकता है। मतलब आपको बहुत सारे स्टूडियोज में हो सकता है ऑफर कर दें कि भाई 10 या 12 हज़ार में कर लो, आप या आप फ्रेशर हो थोड़ा, अभी आपको नॉलेज नहीं है, फिर एक्सपीरियंस नहीं है, और अभी आप थोड़ा सा पहले इन्हेंस कर लो अपने स्किल्स को और इसके बाद फिर हम लोग अफोर्ड कर पाएंगे आपको थोड़ा सा और पेमेंट देना। और कई सारी बड़ी कंपनीज ऐसी भी हैं जो फ्रेशर्स को 25-27 thousand या 30K के अराउंड पे कर देती हैं। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने कौन से स्टूडियो पे अप्रोच किया, आपको कहाँ से ऑफर मिला और आपने बेसिकली किस स्टूडियो का ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हो आप, और वो स्टूडियो का जो वो स्टूडियो कैसा है बेसिकली, कितना बड़ा है, किस तरीके का है। तो डिपेंड करता है कि स्टूडियो कैसा है आपका या फिर कंपनी कैसा है आपका। तो मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 10 to 12 thousand में भी लगे हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ऑफर किया है कंपनीज ने अराउंड 25-27 thousand के अराउंड ऑफर किया है एज अ फ्रेशर, मतलब विदाउट एनी एक्सपीरियंस। तो डिपेंड करता है बेसिकली इस इंडस्ट्री में कि आप कौन से स्टूडियो के ऊपर अप्रोच कर रहे हो। तो एक तो ये बात हो गई, और अब इसमें लिमिट कितना है, कितना आप जा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है ये आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, आप किसी स्टूडियो में जाते हो उसके बाद वहाँ पे आप कैसा परफॉर्म करते हो उसके बेसिस पे जनरली जो आपकी सैलरी है, आपका साल एक वन ईयर होने के बाद ओवरव्यू किया जाता है, आपका जो परफॉर्मेंस है उसको देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है पूरी टीम के थ्रू, जो भी स्टूडियो का टीम है या फिर मैनेजमेंट है, एंड देन वो फिर डिसाइड करते हैं कि हाँ इस आर्टिस्ट को या फिर इस बंदे को कितना इंक्रीमेंट देना चाहिए सैलरी के ऊपर। अमूमन जो इंक्रीमेंट होता है वो हो सकता है कि आपका 2000 से लेकर 10,000 मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं है, 15,000 तक भी किसी मिल जाता है, 20,000 मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी लेट्स से 15,000 है, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया किसी की स्टूडियो में और उनका मैनेजमेंट भी सब बहुत हैप्पी है आपके परफॉर्मेंस से, हो सकता है आपको 10-15,000 का हाइक दे दें, बट मोस्ट एन एवरेज जो हाइक है वो 5-7 thousand के अराउंड ही होती है। एक एवरेज बता रहा हूँ, एवरेज का मतलब ओवरऑल अगर आर्टिस्ट की बात की जाए तो फिर आपको अमूमन 5-7 thousand यही इंक्रीमेंट मिलता है। इसका मतलब ये है कि अराउंड अगर आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो लेट्स से 5-6 साल अगर आपने काम किया तो फिर आप अराउंड 50K तक या 40-50K या 35-50K तक
पहुंच जाओगे, मतलब 35 से 50 के बीच में आराम से आप पहुंच जाओगे। अगर आप इस इंडस्ट्री में और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गए हो, बेसिकली लाइक 8 to 10 ईयर्स हो गए हो, तो हो सकता है कि आपकी सैलरी और एन एवरेज 1 लाख के आसपास हो जाए। और इसके बाद डिपेंड करता है कि आप कितना किस इंडस्ट्री में या किस स्टूडियो में आप रुक रहे हो और वहाँ पे आप कितना टाइम दे रहे हो, कितना ईयर आप वहाँ पे रुके हुए हो, एंड प्लस आप वहाँ पे किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हो। बहुत से लोग अगर आप किसी स्टूडियो में एज एन आर्टिस्ट से धीरे धीरे इम्प्रूव होकर के एसोसिएट आर्ट लीड या फिर आर्ट लीड या फिर प्रोड्यूसर वगैरह या फिर आर्ट डायरेक्टर वगैरह भी बन जाते हो, तो फिर उससे आपकी जो सैलरी ग्रोथ है वो और भी अच्छी हो जाएगी, है ना। उसका कोई लिमिट नहीं है ना, आप 1 लाख भी क्रॉस कर जाओगे, 1 लाख भी क्रॉस कर जाओगे, हो सकता है 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, है ना, इस तरीके से हो सकता है कि आपको वो भी ऑफर हो जाए। और लेकिन ऐसा नहीं है कि बस इतना ही है एंड हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा आप किसी भी स्टूडियो में या फिर मल्टीपल स्टूडियो में जब आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाए, लाइक 8-10 ईयर्स हो गया, उसके बाद आप खुद कुछ भी कर सकते हो, लाइक फ्रीलांसिंग कर सकते हो आप, आपके पास बहुत अच्छे से क्लाइंट्स आ गए और वो आपको अच्छा पे आउट कर रहे हैं, आप घर में बैठ के फ्रीलांसिंग करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे खासी इनकम भी हो जाएगी और जब भी आपको ब्रेक लेना है आप आराम से ब्रेक भी ले सकते हो। तो एक पॉइंट ऑफ फ्रीलांसिंग का हो गया कि आप अगर जॉब से काफ़ी थक गए और जॉब करते करते आपको थोड़ा चेंज चाहिए, आपको लगता है कि यार अब इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम हो गया जॉब करते हुए, कुछ मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन भी चाहिए प्लस काम भी होता रहे, तो बेटर है कि आप फ्रीलांसिंग ऑप्शन कर सकते हो। फ्रीलांसिंग में आपको बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, या फिर अगर आपके कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे हैं कुछ क्लाइंट्स के साथ, कुछ स्टूडियोज़ के साथ, और वो आपको ऑफर कर रहे हैं काम, तो बहुत ही बढ़िया प्लस है। तो ये बहुत ही बढ़िया फील्ड है, इसमें शुरुआत तो लो से है, काफ़ी लो हो जाता है कभी कभी, लेकिन जो एंडिंग है वो इनफाइनाइट है, मतलब इसका कोई एंड नहीं है, आप कितना भी ऊपर जा सकते हो बेसिकली, इट्स एंडलेस प्रोसेस बेसिकली। तो आई थिंक कि काफ़ी लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आज, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो अगेन कमेंट कीजिए, और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और आपके लिए हम लोग इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। ओके गाइस।